श्योपुरनगर में सफाई व्यवस्था ध्वस्त। वार्ड पार्षद ने सीएमओ के कैबिन में भरा वार्ड से लेकर कचरा। श्योपुर नगरीय क्षेत्र में इन दिनों सफाई व्यवस्था ध्वस्त बनी हुई है। यही कारण है कि जहां वार्ड क्रमांक 12 की पार्षद लक्ष्मी शिवहरे ने सफाई व्यवस्था से खिन्न होकर अपने वार्ड का कचरा लाकर नगर पालिका में सीएमओ मधुसूदन श्रीवास्तव के कैबिन में भर दिया। बता दें कि पार्षद लक्ष्मी शिवहरे ने अनेकों बार अपने वार्ड में फैली गंदगी को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर सीएमओ सहित अधीनस्थ विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, मगर बार बार शिकायत के बाद भी जब नगरपालिका द्वारा वार्ड में सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो वार्ड 12 की पार्षद लक्ष्मी शिवहरे सफाई व्यवस्था से खिन्न होकर हाथ थैले में कचरा भर नगरपालिका पहुंची और वार्ड पार्षद ने सफाई व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। हाथ थैले में वार्ड 12 से भरकर लाए गए कचरे को नगरपालिका कार्यालय में स्थित सीएमओ के केबिन में कचरा भर दिया गया। वहीं नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। मैं वार्ड नंबर 12 की पार्षद लक्ष्मी शिवहरे और मुझे ढाई से तीन महीने के करीब चुनाव हुए हो गए हैं और लगातार कंटिन्यूस कर सीएमओ साहब से कहती हूँ। मैंने बड़े भाई हमारे सत्यमानु भाई को भी अवगत कराया और दरोगा भाई को भी अवगत कराया हमारे वार्ड चीफ से कि भैया हमारे वार्ड में सफाई कर दो, पूरा वार्ड परेशान है और बहुत परेशान है, इतना दलदल हो रहा है, आप लोग खुद देखिए, हमने वीडियो भी बनाई है। यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो बीमारियों का शिकार बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे और यदि डेंगू के मच्छर आ गए कहीं से तो वो बनवाएंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यदि हमारा वार्ड, यदि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है कि स्वच्छ भारत, हमारा वार्ड ही स्वच्छ नहीं है, कर्मचारी जा नहीं रहे हैं, साफ सुथरा है नहीं है, सीएमओ नगर पालिका देख नहीं रहा और जब नहीं जा रहा तो ढाई महीने की तनख्वाह किसको दे रही है नगर पालिका? और यदि कर्मचारी नहीं है तो वो जानकारी दे हमें, और नहीं है तो नई नियुक्ति करे उनकी, अन्य वार्डों में नियुक्ति कर दी है, किस भ्रष्टाचारी से करी है, कैसे करी है, वो जानकारी दे, वो सब बताए, क्या गोलमाल है, क्या गोलमाल करके उन्होंने फर्जी नियुक्तियाँ की हैं और एक एक महीने की उनको तनख्वाह दे दी है, कितना कितना उनके पास पैसे लिए गए हैं, और नहीं है तो हमारे वार्ड में हम एक रुपया नहीं देंगे दलाली का, ना करेंगे ना करने देंगे, आप हमारे वार्ड को साफ सुथरा चाहिए और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं हम रोज इनके चैम्बर में आके और कचरा फेंकते रहेंगे क्योंकि हमारा वार्ड कचरे में, तो सीएमओ साहब आप स्वच्छ साफ सुथरे उसमें एसी के चैम्बर में नहीं बैठ सकते, आपको भी कचरे में ही बिठाऊंगी। इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और माननीय हमारा सीएमओ जो भ्रष्टाचारी में लिप्त है और ये भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, नंगा नाच चल रहा है, ये नंगा नाच और भ्रष्टाचारी हम किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस।